अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बजिया था, बस ओकरे जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है का रे हरी? राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था, उस पे काबू पाने में कितना मेहनत लगा था, और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम? फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। अरे मुखिया जी, ये सब से कुछ नहीं होता है। राधे श्याम खलिहान पर डंठल नहीं जला था, फिर भी आग लगा कि नहीं, होनी को कौन टाल सकता है? आग लगने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, इसके बहुत से कारण होते हैं। फिर भी अगर हम लोग दो चार छोटी मोटी बातों पर ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो अगलगी जैसी समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके फैलाव को भी रोक सकते हैं। देखो हरी, इसके बचाव के लिए सबसे पहले फसल की कटाई होने तक बोरिंग पर पंपिंग सेट तैयार रखना चाहिए, और खेतों के आसपास न खुद बीड़ी सिगरेट पीना चाहिए और न दूसरे को पीने देना चाहिए। लेकिन फिर भी आग लग जाती है तो आग बढ़ने वाली दिशा में कुछ दूरी पर फसल कटाई कर देनी चाहिए। हमारे गांव में बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी से भी आग लगती है। हमको कहीं भी लूज तार दिखे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय संबंधित अधिकारी को देनी चाहिए। इसके अलावा जिन खेतों में फसल पक गए हों उन खेतों के आसपास थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। खलियान में थ्रेसर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखना चाहिए। साथ ही खलियान के पास दो टब में भरा हुआ पानी होना चाहिए और खेतों के आसपास हवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फसल की ढुलाई के लिए खेतों के बीचों बीच से पिकअप, ट्रैक्टर या अन्य वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मवेशियों का घर बसावट से दूर फूस की झोपड़ी के जगह जीआई या करकट का बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना कम होती है। मवेशियों को बांधने की रस्सी जूट की होनी चाहिए, साथ ही खूंटे और रस्सी उनके क्षमता के अनुसार हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में वो इसे आसानी से तोड़कर भाग सकें। इसके अलावा इनके घरों के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, मिट्टी और बालू भी होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये सब तो हमको पता नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस अगलगी को हम लोग रोक सकते हैं और अपने खून पसीने से उगाई हुई फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार अग्निशमन सेवा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।